जो पैनल गैप होते हैं ये बराबर है नहीं। डीलरशिप ऐसे हैं कि मतलब जो कस्टमर आता है उसको कुछ समझते ही नहीं है। तो आपको नीचे से गाड़ी देखना भी बहुत जरूरी है ताकि आपको गाड़ी का एक चीज और मेन है कि गाड़ी का चेसी नंबर और बोनट खोलने का ना एक रीजन ये भी है। मैं ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और आपको पता कैसे लगेगा? तो भाई आप वही पे मना कर सकते हो अपनी गाड़ी को लेने से। हेलो जी, वेलकम बैक टू चल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और फुल में से भी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। भाई आप नई गाड़ी लेते हो, पहले इस गाड़ी को बुक कराते हो, फिर गाड़ी का ऑर्डर जाता है प्लांट में, फिर वहां से गाड़ी बनती है, फिर वहां से आपके नाम पे डिस्पैच होती है और फिर आती है गाड़ी शोरूम में। उससे पहले गाड़ी कहाँ पहुँचती है? गाड़ी पहुँचती है यार्ड में और यार्ड में वहाँ पर होता है उस गाड़ी का PDI, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। वैसे तो हर एजेंसी अपने एंड पे भाई हर गाड़ी का PDI करके देती है अच्छे से कि ताकि कस्टमर को कल को कोई दिक्कत ना आए। अगर कोई दिक्कत आती है तो वही अपने एंड पे भाई पहले उसको रेक्टिफाई कर देते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है भाई, इतनी ज़्यादा डिमांड रहती है गाड़ियों की और इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, एक आधी छोटी मोटी दिक्कत या छोटे मोटे निगल्स ना गाड़ी के अंदर आते हैं। जो इतनी सारी गाड़ियाँ जब चेक करते हैं उसमें एक आधा छोटा मोटा पॉइंट या कुछ छूट जाता है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको अपनी गाड़ी का खुद से PDI करना है भाई। और आजकल तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको ना PDI करके देती हैं आपकी गाड़ी का। वो कुछ अमाउंट लेते हैं आपसे, उनकी टीम आती है आपकी गाड़ी का PDI करती है और फिर वो आपको PDI का एक सर्टिफिकेट दे जाते हैं कि हाँ जी आपकी गाड़ी ये ठीक है और आप ये गाड़ी ले सकते हो। और PDI करने का भाई एक मेन कारण ये भी है, अगर आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत मिलती है आपको जब आप अपनी गाड़ी का PDI करवाते हो, तो भाई आप वहीं पे मना कर सकते हो अपनी गाड़ी को लेने से। जी हाँ, आप ये मना कर सकते हो या आप डीलरशिप को बोल सकते हो कि भाई प्लीज़ मेरी गाड़ी में ये दिक्कत है, आप इसको रेक्टिफाई कर दो। एक बार आपकी गाड़ी का इनवॉइस हो गया और आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन के लिए रोड टैक्स भरा गया, उसके बाद भाई डीलर उस गाड़ी को एक्सचेंज नहीं कर सकता। देखो डीलर की भी मजबूरी है, फिर उस गाड़ी को भाई वो कहाँ पे बेचेगा? अगर आप पहले उसको बता देंगे तो वो उस चीज़ को रेक्टिफाई कर देगा। हालांकि मोस्टली डीलर्स भाई कर देते हैं रेक्टिफाई पहले ही, उनकी PDI टीम होती है। लेकिन अगर आप भी बताओगे कि भाई इस गाड़ी में ये दिक्कत है, मैंने इस गाड़ी को चेक किया, ये वाली चीज़ में दिक्कत आई, कहीं पैनल गैप में दिक्कत, कहीं किसी में, मतलब जो भी चीज है, जो आज सारी चीज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अब स्टार्ट करते हैं भाई गाड़ी का PDI। और भाई देखो अपनी गाड़ी भी आनी है, इस PDI वीडियो के बाद अपनी गाड़ी की डिलीवरी वीडियो आएगी, लेकिन ये अपनी गाड़ी नहीं है, अपनी गाड़ी एक्स्ट्रा ही है लेकिन सेम ये गाड़ी नहीं है। तो सबसे पहले हमारे को क्या चेक करना है, मैं आपको दिखाता हूँ ये गाड़ी की चाबी। जैसे ये गाड़ी जो है SXO है, SX ऑप्शनल वेरियंट है, तो इसमें आपको ये दो चाबी मिलती है। आपको चेक करना है ये गाड़ी अच्छे से लॉक हो रही है, अनलॉक अच्छे से हो रही है, ORVM जो इसके हैं अच्छे से अनलॉक हो रहे हैं, और जो बूट है इसको बटन को प्रेस करेंगे तो बूट वहाँ से अनलॉक हो जाएगी, फिर हम उसको बाहर से ओपन कर सकते हैं। तो ये चेक हमारे को करना है कि चाबी हमारी सही से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। उसके बाद हम चेक करेंगे गाड़ी के जो पैनल गैप्स होते हैं ये बराबर है नहीं, मतलब यहाँ पे जो गैप ऊपर है वो नीचे जाते जाते कम तो नहीं हो गया या वो ज़्यादा तो नहीं हो गया, ये ना बराबर होने चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उसके बाद चेक करना है हमारे को पेंट, मतलब सरफेस पे हमारे को ना हाथ लगा के देख रहे हैं कहीं कोई ऐसे मतलब रफ सरफेस तो नहीं है, कहीं किसी और गाड़ी का पेंट तो नहीं चढ़ा हुआ, या कई बार क्या होता है कहीं क्लियर कोट चढ़ा हुआ या कोई ऐसा, या कोई छोटा मोटा गाड़ी के ऊपर डेंट तो नहीं है, हम इसको प्रॉपर उस चीज़ से ना चेक करते हैं। बाकी डेंट वेंट तो आपको ना खुली आंखों से ही पता लग जाएगा, थोड़े एंगुलर में आप कई बार देखते हो तो डेंट का पता इजीली लग जाता है। भाई फिर हमने चेक करनी गाड़ी की लाइट्स के DRLs प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। देखो इसके DRLs प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। भाई लाइट ऑन करना गाड़ी की, देखो ये गाड़ी की लाइट ऑन होगी। डिपर करना एक बार, हाई बीम लो बीम करना, तो इसके दोनों चीजें ये काम कर रही हैं अच्छे से। एक बार बोनट और खोल दो गाड़ी का, तो बोनट भी भाई हमने खोल लिया, तो भाई देखो बिल्कुल नई गाड़ी का ना अलग से ही पता लग जाता है। और बोनट खोलने का ना एक रीजन ये भी है, कूलेंट पूरा है नहीं, ब्रेक ऑयल है नहीं, वॉशर फ्लूड तो खैर आप टॉप अप कर सकते हैं उसको, बाकी आप बैटरी को चेक कर लो। बैटरी की आपने ना इसके अंदर जो सर्टिफिकेट आता है उसको चेक करना है, उससे मैच करना है, ये जो सीरियल नंबर हमारा इस बैटरी के ऊपर है ये हमारा उसके साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाकी तो गाड़ी बिल्कुल ओके है। एक बार इंडिकेटर और करना भाई, एक बार इसके हजार्ड लैंप भी प्रॉपर वर्क कर रहे हैं भाई गाड़ी के। तो जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं भाई ये भी आपको चेक करने हैं, हो सके तो गाड़ी को एक बार लिफ्ट पे लगवा के भी आपको चेक करना है कि गाड़ी का ना आपको जो अंडर बॉडी है वो पता लग जाएगा। रिंडा थोड़ी सी वॉइस यहाँ पे गूंज रही होगी क्योंकि ये डक पे खड़ी है अभी गाड़ी फिट पे। तो आपको नीचे से गाड़ी देखना भी बहुत जरूरी है ताकि आपको गाड़ी का नीचे से कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है, नट वगैरह तो सारे टाइट होके ही आते हैं गाड़ी के। और फर्स्ट सर्विस किस लिए होती है? फर्स्ट सर्विस यही होता है ना चेक वगैरह करने के लिए। तो बाकी आपको मेनली एक बार गाड़ी में नीचे से एक बार जाके पूरा कम्प्लीट चेक करना है कि भाई गाड़ी में कहीं से कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है। तो इस गाड़ी को भी भाई हमने चेक कर लिया था, अंदर पिट बना हुआ है, तो ये तो एक बार वीडियो बनाना था इसलिए हमारे को ये बाहर खड़ी करनी पड़ी गाड़ी, क्योंकि अंदर भाई बिल्कुल भी जगह नहीं है। बैकलाइट ऑन हो रही है भाई, रिवर्स लगा हुआ है। एक बार हजार्ड लैंप ऑन कर दो, यहाँ से भी भाई बिल्कुल सारी लाइट्स अपनी प्रॉपर
वर्क कर रही है। वाइपर आपकी गाड़ी में आएगा तो भाई आप वाइपर भी चला के चेक कर सकते हो। जो ये एंटीना वगैरह है ये अच्छे से है, रूफ रेल्स अच्छे से ही है, स्पॉयलर अच्छे से लगानी है, कहीं पे स्क्रैच वगैरह, ये सारी चीज आपने चेक करनी है एक्स्ट्रा के साथ। तो भाई कंपनी आपके मैट तो साथ में ही देती है। चलो ये तो डीलर का थोड़ा बहुत पैसा तो बचाया भाई हुंडई ने। तो गाड़ी की लाइट्स हमने चेक कर ली, टेल लाइट्स हमने चेक कर ली, पैनल गैपिंग, पूरी गाड़ी की पैनल गैपिंग चेक करनी है। फिर आपने यहाँ के जो दरवाजे हैं इनकी भी पैनल गैपिंग चेक करनी है, यहाँ से रूफ रेल प्रॉपर टाइट है नहीं, कहीं से लूज तो नहीं है। सनरूफ आपकी गाड़ी में, तो सनरूफ भी आपने खोल के चेक करनी है, खोल के मतलब पेचकस से नहीं खोलनी, उसको वर्किंग कैसी है उसकी वो चेक करनी, स्मूथ वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। फिर उसके बाद मेन चीज आपकी गाड़ी के टायर्स, आपको अपनी गाड़ी के ना टायर्स का मैन्युफैक्चरिंग गियर भी चेक करना बहुत जरूरी है। आपको मैन्युफैक्चरर ने भाई पुराने टायर्स तो लगा के नहीं दे दिए। जब भी कोई नई गाड़ी आती है ना भाई, तो कम से कम उसके अंदर ना 6 महीने के अंदर का टायर होना चाहिए। टायर पुराना हो जाता है ना भाई और हवा पानी लगती है, और यार्ड में ओपन में खड़ी रहती है, चाहे कंपनी का यार्ड हो चाहे आपका डीलरशिप का यार्ड हो, तो हवा में आती है ना टायर भाई अपना ऑयल सोखने लगता है समय के साथ। तो जो टायर है आपका 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और आपको पता कैसे लगेगा, तो टायर की भाई मैन्युफैक्चरिंग ईयर यहाँ लिखी हुई है 27, 23, यानी 27वां हफ्ता, 27th वीक बनता अपना, यही जून जुलाई के आसपास का हो गया आपका। और 2023 तो हमारा चल ही रहा है, तो अभी चल रहा है जुलाई, तो भाई ये अपना बिल्कुल परफेक्ट टायर है, 1 महीने के अंदर का ही टायर है, तो भाई ये बिल्कुल ओके टायर है। और इसमें ना एक ऑरेंज वाला पार्ट होता है, देखो टायर के ऊपर ना मार्क होता है, ये टायर का ना हैवी वाला पार्ट होता है, सबसे ज्यादा मतलब जो हैवी होता है टायर वहां से होता है, तो ये ना वहाँ पे मैच कर देते हैं इसको करने के लिए। ये चीज ना रिम या लोय को जब हम बैलेंस करते हैं ना उसमें हेल्प करता है, वहाँ पे रखना। बाहर की तो भाई सारी पीढ़ी हमने कर ली, अब करते हैं गाड़ी के अंदर की, चेक करते हैं मिरर्स को इनको, पावर विंडो प्रॉपर अच्छे से वर्क कर रही है, ORVM अच्छे से ऑटो फोल्ड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो एक बार ये सारी चीज हमारे को ना चेक कर लेनी है भाई। अब ये है भाई गाड़ी का इंटीरियर, तो एक बार हम इसमें ना ये वाला जो बटन है टैप का व्यू वाला, इसको हम टैप करेंगे तो अपना ये पीछे का दिखाएगा अपना कैमरा, ये भी सही दिख रहा है भाई। AC की वर्किंग एक बार चेक कर लेते हैं, गाड़ी को हम स्टार्ट ही कर लेते हैं। तो AC प्रॉपर अच्छे से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, हवा प्रॉपर सारे वेंट्स में से अच्छे से आ रही है या नहीं आ रही है। देन एक बार इसको अपना रिवर्स गियर भी लगा के देख लेते हैं, रिवर्स गियर में अपना बैक कैमरा भी दिखा रहा है, वो खाली मैंने टैप करके चेक किया था कि मतलब ये प्रॉपर वर्क कर रहे हैं नहीं कर। अंदर का प्लास्टिक में कहीं गैप वगैरह तो नहीं है, ये भी आपको भाई प्रॉपर गाड़ी के अंदर आपको चेक करना है। अब लाइट्स भी आपको चेक करनी है कि प्रॉपर वर्किंग कर रही है नहीं कर रही, और सनरूफ का एक बार ये खोल लेते हैं स्लाइड, एंड हाँ ये देखो प्रॉपर वर्क कर रही है, एक बार और इसको टैप करेंगे तो पीछे चली जाएगी, हाँ प्रॉपर वर्क कर रही है, बंद कर देते हैं। म्यूजिक सिस्टम भी आपको प्रॉपर चेक करना है, सारे स्पीकर से आवाज़ सही से आ रही है या नहीं आ रही है, आपको इसके MID को भी चेक करना है टैप करके, मतलब आपको ना सारे ये फीचर्स जितने भी होते हैं, टिल्ट स्टीयरिंग है आपका, इसको ऊपर नीचे करके चेक करना कि हाँ ये सही से है या नहीं है। तो वही चीज़ है, गाड़ी में जितने भी फीचर्स आपके दे रखे हैं जो आप वेरियंट अपना ले रहे हो, वो आपको ना बिल्कुल भाई प्रॉपर कम्प्लीटली चेक करना है। आप अपना एक बार यहाँ पे फोन रख के वायरलेस चार्जिंग अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो भी आपको चेक करना है। गाड़ी का जो इंटीरियर है फैब्रिक है वो अच्छे से है नहीं, आप थोड़ा सा ये पन्नी हटा के गाड़ी का चेक कर सकते हो ये प्रॉपर है या नहीं है। बहुत रेयर ही सुना है कि सीट्स फटी आई हुई या ऐसा कुछ आया हो। एक चीज और मेन है कि गाड़ी का चेसी नंबर जो VIN नंबर होता है वो भी आपको चेक करना है कि जो आपको दिया गया है। मोस्टली आजकल क्या होता है, जब आप अपनी गाड़ी बुक कराते हो तो डीलर के पास ना जो गाड़ी आपकी आ रही होती है उसका चेसी नंबर आपके पास आ जाता है, तो चेसी नंबर भी आपको अपना चेक कर लेना है, चेसी नंबर, इंजन नंबर, और हो सके तो डीलर एंड पे ही वहीं पे अपना यार्ड में छोटा सा उसकी छोटी सी ड्राइव कर लोगे। वैसे तो कोई इतनी खास जरूरत होती नहीं है कि जब गाड़ी ट्रक से उतरती है यार्ड तक आती है अपनी थोड़ा बहुत चल के, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, तो छोटी मोटी इंजन की जो वाइब्रेशंस हैं वो आपको पता लग जाएगी। वैसे मैंने इस गाड़ी को भी स्टार्ट किया था, स्टार्ट करके चेक किया था, बिल्कुल परफेक्ट है। चलो ठीक है भाई कर दो बंद। देखो नॉर्मल इंजन की आवाज में और भाई जो वैसी कोई उसमें दिक्कत होती है ना उसका ना अलग से ही पता लग जाता है कि भाई गाड़ी में ये दिक्कत है, वो गर गर की आवाज या वाइब्रेशन या कुछ। वैसे तो ये 4 सिलेंडर इंजन है, इसमें वाइब्रेशन होती नहीं है, 3 सिलेंडर वाले जो इंजन होते हैं ना वो आइडल में थोड़ा बहुत वाइब्रेट करते हैं, तो आपको 4 सिलेंडर में तो वाइब्रेट आएगी नहीं। तो ये थी भाई ओवरऑल सारी चीजें जो मैं आपको बताना चाहता था कि आपको अपनी जब गाड़ी नई लेनी है तो आपको कैसे अपनी गाड़ी का PDI करना है। बहुत से लोग अपनी गाड़ी को लेते हैं बाद में भाई उनको दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, बहुत बार देखा मैंने कि भाई में जब गाड़ी वो लेते हैं जिस दिन डिलीवरी ले रहे होते हैं उस दिन उनको अपनी गाड़ी के अंदर दिक्कतें पता लगती हैं। वो क्यों होती हैं दिक्कतें? क्योंकि भाई वो अपनी गाड़ी का ना PDI नहीं करके आते, जब उनकी गाड़ी यार्ड में पहुंच जाती है ना वहाँ पे उसको चेक नहीं करके आते। देखो मैंने तो आपको क्लियरली ये बता दिया कि ये चीजें आपको PDI में चेक करनी है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि नहीं यार ठीक है हम देख आएंगे, हाँ ठीक है डिलीवर पहुंच गई, लेकिन एक झलक तो आप अपनी गाड़ी को देख के आ सकते हो ना। जब आप अपना पैसा इतनी हार्ड अर्न मनी भाई आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो गाड़ी के ऊपर, तो एक बार अपनी गाड़ी को आप देख के तो आ ही सकते हो ना। तो अगर आप अपनी गाड़ी को एक बार देखा होगा ना तो आपके मन को भी संतुष्टि मिलेगी और अच्छा भी लगेगा आपको।
कि हाँ यार मैंने अपनी गाड़ी को देख ली, गाड़ी बिल्कुल ओके है, बिल्कुल फिट एंड फाइन है। और अगर छोटी मोटी दिक्कत कहीं मिल भी गई, ताकि मेरे साथ ये एक्सपीरियंस है कि जब मैं अपनी हैरियर लेने गया था उसके अंदर जो मेरी गाड़ी के ऊपर जो रबड़ लगती है ना, जहाँ पे इस गाड़ी की रूफ रेल्स है, ये वाली जो रबड़ थी ये भाई बिल्कुल ऊपर नीचे हो रखी थी। अगर वही बात आ जाती है कोई नहीं यार टाटा महिंद्रा है चलता है इनमें, तो मैंने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा सर ये तो चलता है कोई बात नहीं। माँ भाई चलता नहीं है मेरे को, मैं तुम्हारे को 21-22 लाख रुपए दे रहा हूँ, तो भाई मैं क्यों भुगतूँ इस चीज़ को, मेरे को भाई ये चेंज चाहिए। तो भाई मैंने वहाँ उस टाइम वो अपनी चीज़ चेंज करवाई थी। तो वही चीज़ आपको कहता हूँ कि अगर छोटी मोटी दिक्कत आपको लगती है तो आप अपना बोल सकते हो, वो आपका चेंज करके देंगे। अगर वो चेंज नहीं करते तो आप बिल्कुल डिनाई कर दो कि भाई मैं नहीं लूँगा ये गाड़ी बिल्कुल भी। अगर आप मेरे को ठीक करके दे रहे हो तो दो। और एक चीज़ और मैं आपको बोलूँगा, जो आपकी पेमेंट्स है, देखो आपने बुकिंग अमाउंट कर रखी है बहुत अच्छी बात है, जैसे आपकी गाड़ी वहाँ से अलॉट होती है आपको अपना चेसी नंबर वगैरह सब कुछ मिल जाता है, आपको कोटेशन मिल जाती है, उसके बाद भाई अपना आप अप्लाई कर देते हो लोन वगैरह के लिए। लेकिन पेमेंट वही कहूँगा मैं आपको, एक बार जब आपका PDI हो जाए, डीलरशिप ऐसे हैं कि मतलब जो कस्टमर आता है उसको कुछ समझते ही नहीं है। देखो वही कहते हैं ना, जागरूकता तो आपको अपने अंदर से ही लेके आनी पड़ेगी, बाद में कुछ नहीं होता। वो कहते हैं ना अपस्ताए होत का जब चिड़िया चुग गई के, बाद में कुछ भी नहीं होगा भाई, पहले ही आपको जागरूक होना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में क्या करना है, PDI करने के बाद आप बेशक अपनी गाड़ी की फुल पेमेंट कर दो, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन PDI से पहले आपको अपनी फिर बुकिंग अमाउंट देनी है। नहीं कल को अगर आप रिजेक्ट करने जाओगे तो फिर डीलर आपको बोलेगा भाई अब मैं पेमेंट नहीं देता, या मतलब आपको डिले करके दूंगा, या मैं आपको 2 महीने बाद दूंगा जब मेरी ये गाड़ी बिक जाएगी। तो वही बात है, तो ये सिचुएशन आती है। वैसे डीलर मना नहीं करते, वो आपको गाड़ी ठीक ही करके दे देते हैं मोस्टली, मेरा आज तक जो एक्सपीरियंस रहा है। एक ही बार ऐसा हुआ है मेरे साथ हैरियर के टाइम पे, उससे पहले मैंने जितनी भी गाड़ियां ली है सारी PDI में बिल्कुल ओके मिली है मेरे को, आज तक कोई कभी दिक्कत आई ही नहीं। तो मेन मकसद मेरा यही था आपको बताने का कि आपकी गाड़ी का आपको PDI करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में, जहाँ पे इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ बनती हैं तो छोटे मोटे निगल्स आ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन निगल्स को हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते, वो रेक्टिफाई हो सकते हैं। तो जी ये था अपना कंप्लीट वीडियो ऑन द PDI। उम्मीद करता हूँ आपके बहुत सारे नहीं मतलब PDI से रिलेटेड सारे डाउट्स ही क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी कोई डाउट आ जाए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आपको आने वाले वीडियो में पता लग जाएगा। बाकी मिलेंगे अब आपसे डिलीवरी वाले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाय बाय।